चलिए, टेंसेस, प्रेजेंट टेंस हम ऑलरेडी खत्म कर चुके थे, रिवीजन सीरीज है हमारी, आज फ्राइडे है, ठीक है, टुडे इज फ्राइडे एंड फ्राइडे को हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है, तो आज रिवीजन क्लास रहेगी। प्रोनाउन जो है वो हम लोग फिर से मंडे को करेंगे, ठीक है। अभी देखो टेंसेस पढ़े थे, टेंसेस में क्या था, टाइम ऑफ एक्शन, प्रेजेंट टेंस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है, लास्ट रिवीजन क्लास में हम इसको ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड है ना। We have already completed present tense. आज हम past tense से शुरू करेंगे, right? देखो अब past, present and future tense, right? ये सबको पता है कि किस कोई भी बात जब हम yesterday में कर रहे हैं तो वो basically क्या होगा, past tense, आज कर रहे हैं तो present tense, tomorrow करेंगे तो future tense, right? Okay, ये हो गया। उसके बाद देखो next, past tense में simple past से हमने revision start करनी थी, right? प्रेजेंट टेंस हम ऑलरेडी मंडे को रिवाइज कर चुके हैं, मैं बार बार आप लोगों को रिमाइंड करा रही हूँ, बट स्टिल उसके स्ट्रक्चर्स में आपको दोबारा से रिवाइज करा दूंगी आज, ठीक है। देखो सिंपल पास्ट में हम कैसे एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे एक्शंस जो पास्ट में हो चुके हैं, कोई भी ऐसा काम जो आप पास्ट में कर चुके हो, यस्टरडे कर चुके हो, यस्टरडे से एक दिन पहले, डे बिफोर यस्टरडे कर चुके हो, या फिर लास्ट वीक कर चुके हो, लास्ट मंथ कर चुके हो, लास्ट ईयर कर चुके हो, या 2013 में क्या किया था, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली क्या है, सिंपल पास्ट टेंस जो है वो ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करेगा जो पास्ट में यू हैव डन, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ वी टू ओनली टेंस, ओनली सेंटेंस टू यूज वी टू, ठीक है। हम लोग और किसी भी टेंस में वी टू नहीं यूज करते हैं, हम लोग सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में ही वी टू फॉर्म ऑफ वर्ब क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये चीज आप याद रखोगे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा। हम लोग जब सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे थे तो भी हम लोग कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे थे। सिंपल प्रेजेंट का क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही पढ़ा था। V1 अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, V5 अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, राइट। और यहाँ पे देखो क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस देखो, एग्जांपल देखते हैं, शी सैंग अ स्वीट सॉन्ग, शी इज योर सब्जेक्ट, सैंग वी टू अ स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट, आई रोट हिम अ लेटर, वी सॉ हर यस्टरडे, राइट। नेगेटिव सेंटेंस देखो, इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नो नेगेटिव सेंटेंस इज फॉर्म्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अब यहाँ पे यूज होगा ही होगा, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा था और यहाँ पे यूज होगा ही होगा। देखो अब क्या स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट, अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, डिड डाल देंगे, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि डू या डज या डिड के साथ हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, V1, ठीक है। ऑब्जेक्ट देखो, ठीक है, अब देखो यही सेंटेंसेस को अगर नेगेटिव बनाना हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एक टॉपिक है आपके इसमें सिलेबस में, ठीक है, वो टॉपिक देखो यहाँ पे कवर हो रहा है, इसको हम अलग से भी कवर कर चुके हैं ना सेंटेंसेस चैप्टर में, ठीक है, बट यहाँ पे भी देखो कवर हो रहा है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे तो क्या रहेगा, शी सैंग अ स्वीट सॉन्ग का क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब आया, नॉट, सिंग इज वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब, अ स्वीट सॉन्ग इज ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आई रोट हिम अ लेटर, इसमें क्या आ जाएगा, आई रोट हिम अ लेटर में क्या आ जाएगा, आई डिड नॉट राइट इज वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब, हिम अ लेटर, We did not see V1 form of the verb her yesterday, right? ठीक है, तो affirmative को negative sentence में convert करने के लिए हमें क्या करना होता है, helping verb के बाद not use करना होता है। एक चीज ये सीखी हमने transformation of sentence में कि how you will convert affirmative sentence into negative, और दूसरी चीज हम यहाँ क्या सीख रहे हैं कि simple past के negative sentence का क्या structure होगा।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर देखना हो एम सो सॉरी, आई टोल्ड यू माई थ्रोट इज वेरी सोर टूडे एंड इट इज पेनिंग। तो अभी देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या आता है सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, यही बताया था मैंने आपको, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ पे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सिंपल पास्ट टेंस में, देखो यहाँ पे भी देखो क्या है, यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा, सब्जेक्ट बाद में, हेंस दिस सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। डिड सब्जेक्ट V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट। डिड शी सिंग अ स्वीट सॉन्ग, डिड आई राइट हिम अ लेटर, डिड वी सी हर यस्टरडे, राइट। तो ये आपका बेसिकली क्या बन गया, आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट, ठीक है। अब इसी को इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करो, क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करोगे, नॉट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर ये है, दिस इज, इफ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यही होगा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, राइट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड करेगा कि आप यहाँ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हो, जैसे यहाँ पे डिड यूज कर रहे हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, V1, राइट। तो डिड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट, सेम यही है स्ट्रक्चर, बस आपने यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर दिया टू मेक दिस इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, राइट, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी, राइट। डिड शी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, डिड इज योर हेल्पिंग वर्ब, शी इज योर सब्जेक्ट, नॉट टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव, सिंग V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, अ स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट। डिड आई नॉट राइट हिम अ लेटर, डिड वी नॉट सी हर यस्टरडे, राइट। तो ये सब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे, यहां मैंने इनको इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, राइट। आई होप इट इज क्लियर, ओके। सबको सिंपल पास्ट क्लियर है, सिंपल पास्ट में हमने क्या पढ़ा, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। एफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ा था, ठीक है। नेगेटिव का डिड नॉट, क्योंकि डिड यूज कर रहे हैं इसलिए कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट। इंटेरोगेटिव में डिड यहाँ पे लिख दो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही सेम स्ट्रक्चर आप यहाँ इंटेरोगेटिव नेगेटिव में यूज करोगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही सेम स्ट्रक्चर यूज किया, बस यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन गया, ठीक है। आई होप सिंपल पास्ट इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे एक्शंस को एक्सप्रेस करोगे, ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करोगे जो बेसिकली पास्ट में ऑनगोइंग थे, दे वर ऑनगोइंग इन पास्ट, पास्ट में कंटिन्यू कर रहे थे। जैसे कल हम क्या कर रहे थे कल हम प्रोनाउंस पढ़ रहे थे, तो प्रोनाउंस पढ़ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसे एक्शंस जो पास्ट में कॉन्टिन्यू कर रहे थे उनको एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज या वर, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया। ऑब्जेक्ट देखो, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सब्जेक्ट पे। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज कर रहे हो इन दोनों में से, किस पे डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट। वॉज कब यूज करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। वर कब यूज करोगे, प्लूरल सब्जेक्ट। आई के साथ क्या यूज करोगे, वॉज। देखो, शी वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, आई वॉज राइटिंग हिम अ लेटर, ये देखो V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, अ स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब आपके एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
एक्चुअली माई पेट वॉन्टेड टू गो आउटसाइड एंड ही वॉज ट्राइंग टू ओपन द डोर एंड ही कुड नॉट ओपन द डोर सो ही स्टार्टेड स्क्रैचिंग द डोर सो दैट नॉइस वॉज काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग सो आई हैड टू यू नो मूव. चलिए आई होप सबको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा. वी वर लर्निंग इंग्लिश. देखो वर क्यों यूज किया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, प्लूरल है. करेंगे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर वाइज, डोंट वरी. आई वॉज वेटिंग फॉर द बस. ये सब सेंटेंसेस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं, जो क्या शो कर रहे हैं कि कोई एक्शन जो है वो पास्ट में क्या कर रहा था, कॉन्टिन्यू कर रहा था. आई वॉज वेटिंग फॉर द बस. मैं बस के लिए वेट कर रही थी, पास्ट में कर रही थी ना, हेंस कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन थी. तो हेंस उसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने डाला. ठीक है, अब एक चीज देखो, अब इस एफर्मेटिव सेंटेंस को अगर आप बनाओगे नेगेटिव में तो क्या होगा, शी वॉज नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग. तो यहाँ पे वॉज और वर के बाद क्या लगा दोगे, नॉट, ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, नेगेटिव. तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या रहेगा, वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वी फॉर फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आई होप इट इज क्लियर. यही अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता तो क्या होता, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होता प्लस वी फॉर फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यही होता स्ट्रक्चर. आई होप इट इज विजिबल. इसको दोबारा से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख जाए. देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आर इज एम. ठीक है, ये आ जाएगा. अब आप जो है, आर यू गाइज जस्ट वॉचिंग कि किस तरीके से, देखो वर्ब चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था कि वर्ब जो है टेंसेस के अकॉर्डिंगली भी चेंज होता है. कैसे टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, ये देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर. तो वर्ब इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑल्सो. ठीक है, अब इसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे नॉट लगा दो. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, बन गया नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. और ये जो है नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, देखो वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब से पता चल रहा है. ठीक है, शी वॉज नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग आ जाएगा. आई वॉज नॉट राइटिंग हिम अ लेटर. वी वर नॉट लर्निंग इंग्लिश. आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर द बस. हो गए. इसी इसी सेंटेंस को अब इंटेरोगेटिव अगर बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दूंगी, फिर सब्जेक्ट लिख दूंगी, फिर उसके बाद कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा आपका, वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट विद अ क्वेश्चन मार्क. अब इस सेंटेंस को बनाओ आप. इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है, शी वॉज शी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग इज ऑब्जेक्ट, अ स्वीट सॉन्ग क्वेश्चन मार्क. ये बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस. क्या किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और इनकी पोजीशन को स्विच किया सब्जेक्ट की. वॉज आई राइटिंग हिम अ लेटर, वर वी लर्निंग इंग्लिश, वॉज आई वेटिंग फॉर द बस. ये सब सेंटेंसेस इसी तरीके से क्या बन जाएंगे, इंटेरोगेटिव. अब इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओ. हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये देखो अब ये क्या बनेगा, वॉज शी नॉट सिंगिंग द स्वीट सॉन्ग, वॉज आई नॉट राइटिंग हिम अ लेटर, यहाँ पे वर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश, वॉज आई नॉट वेटिंग फॉर द बस. राइट, बन गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव. आप लोग जब खुद घर जाके रिवाइज करोगे, टेक अ कॉपी, टेक अ रजिस्टर, टेक सम पेजेस, जैसे भी आप रिवाइज करते हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव जो है स्ट्रक्चर वो आपको एज इट इज याद होना चाहिए. और देखो सिर्फ अगर इतना सा स्ट्रक्चर भी याद है आपको, उससे आप नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या कर रहे हो, खुद से बना लोगे. ठीक है, तो हर टेंस का एटलीस्ट, सब कुछ याद करना वैसे, बट एटलीस्ट एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर तो हमेशा याद रखना, ऑलवेज, नेवर फॉरगेट दैट. वॉइस में भी हेल्प करेगा आपको, पैसिव वॉइस बनाने में.
ठीक है, तो हमेशा इसको याद रखना आपने। अभी देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट स्लाइड में यही बताया होगा। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, सेम वही। आई होप अब तो ये हमें यहां से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वी फॉर ऑब्जेक्ट, ये देखो इंटेरोगेटिव में भी सेम, सारे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये देखो सेम फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही है, वी फॉर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सब कुछ सेम है, बस आप सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करोगे, राइट? आई होप इट इज क्लियर। देखो यार, जब मैं खुद टेंसेस रिवाइज करती हूँ तो मैं सिर्फ इसी तरीके से रिवाइज कर रही थी। व्हेन आई वाज डूइंग इट, तो मैं यही तरीका यूज कर रही थी कि एफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझ लो, अच्छे से याद कर लो, और वहां से फिर आप डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस जो है खुद बना के देखो अपनी नोटबुक में। जैसे हम लोग अगली स्लाइड्स पे नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग ऑन द फर्दर, वी आर नॉट गोइंग फर्दर ऑन द स्लाइड्स, बट हम लोग यहीं से एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस खुद से बना रहे हैं। इंटेरोगेटिव भी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी। तो आप लोग भी जब प्रैक्टिस करोगे इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करना, तभी आपको याद होगा, नहीं तो स्ट्रक्चर्स याद करने थोड़े से मुश्किल लगते हैं बच्चों को। ठीक है, तो आई होप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अभी देखो पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में बेसिकली हम कौन से एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं? हम ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं जो एक्शंस जो है वो स्टार्ट हुए थे कब? पास्ट में, और फिनिश भी क्या हुए थे? पास्ट में। अभी हैज फिनिश्ड मतलब पास्ट में शुरू होके खत्म हो चुके हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट हैड, V3 ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट टेंस अगर होता, अगर प्रेजेंट टेंस होता, प्रेजेंट परफेक्ट होता, तो क्या स्ट्रक्चर होता सोचो? सब्जेक्ट होता, हेल्पिंग वर्ब होता, V3 फॉर्म, सेम फॉर्म वर्ब यूज करते हैं हम परफेक्ट में, और ऑब्जेक्ट। और क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते? हैज या हैव। ये प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बन गया। देखो हर टेंस का एफर्मेटिव याद रख लो, ये सब नेगेटिव नेगेटिव सब आप बना लोगे वहां बैठ के, क्योंकि सिंपल लॉजिक्स हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ही तो ऐड करना है, समझे? आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। देखो शी हैड रिटन अ लेटर, शी इज योर सब्जेक्ट, हैड जो है पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा यहाँ, रिटन V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब अ लेटर। शी ही हैड प्लेड फुटबॉल, वी हैड लर्न्ड इंग्लिश, आई हैड वेटेड फॉर द बस। ये सब बेसिकली क्या है आपके पास्ट परफेक्ट टेंसेस हैं। नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे तो हैड के बाद नॉट लगा दो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो प्रेजेंट टेंस में, ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। सब्जेक्ट हैड नॉट, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, ही हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, वी हैड नॉट लर्न इंग्लिश, आई हैड नॉट वेटेड फॉर द बस। यहाँ पे हैज या हैव हो जाता, शी हैज नॉट रिटन अ लेटर, राइट? तो ये किस चीज का टेंस बन गया? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो इसी को देखो नेगेटिव बना दिया हम यहाँ पे, इसको पॉजिटिव, इसको एफर्मेटिव बनाते तो क्या लिखते? शी हैज रिटन अ लेटर, शी हैज रिटन अ लेटर, शी हैज नॉट रिटन अ लेटर। प्रेजेंट टेंस का है, इंटेरोगेटिव बनाते तो क्या लिख देते? हैज शी रिटन अ लेटर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते तो क्या लिखते? हैज शी नॉट रिटर्न अ लेटर। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन गया। और कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। देखो कितना टाइम लगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिवाइज करने में। अगर आपको एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद है तो बाकी आप लोग कर लोगे। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद करना और उससे खुद से ये बना के देखना, खुद से ये स्ट्रक्चर्स बना के देखना। ठीक है, नेगेटिव में आई होप सबको समझ में आ गया। ठीक है, ईजी है ये, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी लगेगा, कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे टेंसेस को रिवाइज करने में। फिर इंटेरोगेटिव हैड सब्जेक्ट, देखो हेल्पिंग वर्ब कम बिफोर द सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट। अब तो आप लोगों को ये चीजें याद हो गई होंगी ना बार बार बोल के, मेरे बोलने से, सुनने से, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट।
पास्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जहां पे स्ट्रक्चर ये बनता है, ये सब चीजें आई जस्ट होप आपको याद हो गई हो अब तक। और प्रेजेंट टेंस तो हम ये फोर्थ टाइम रिवाइज कर रहे हैं क्लास में, एक बार हमने डिटेल्ड लेक्चर्स में पढ़ा था टेंसेस, उसके बाद हम प्रेजेंट टेंस रिवाइज कर चुके हैं, अभी देखो थर्ड टाइम हम लोग इसके साथ रिवाइज कर रहे हैं पास्ट टेंस के साथ। उसके अलावा भी हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसको किया होगा। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव में देखो, हैड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, हैड शी रिटन अ लेटर, हैड ही प्लेड फुटबॉल, हैड वी लर्न्ड इंग्लिश, हैड आई वेटेड फॉर द बस। हैड शी, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओगे तो क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हैड सब्जेक्ट नॉट V3 ऑब्जेक्ट, देखो सारा स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट दिस नॉट, दिस नॉट इज आफ्टर दी सब्जेक्ट बिकॉज इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अब नेगेटिव भी तो बनाना है। अब हैड शी रिटन अ लेटर का क्या आएगा, हैड शी नॉट रिटन अ लेटर, हैड ही नॉट प्लेड फुटबॉल, हैड वी नॉट लर्न्ड इंग्लिश, हैड आई नॉट वेटेड फॉर द बस, राइट? ठीक है, आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे एक्शंस होते हैं, जो पास्ट में बेसिकली क्या हुए हैं, स्टार्ट हुए, कंटिन्यू किए कुछ टाइम तक, और अभी क्या कहते हैं, रीसेंट पास्ट में क्या हुए, फिनिश हुए। ठीक है, तो पास्ट में स्टार्टेड एक्शंस, फिर उसके बाद कंटिन्यू भी कर रहे हैं, और रीसेंट पास्ट में क्या कर रहे हैं, फिनिश भी कर रहे हैं। ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। यहाँ पे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बीन, बीन यूज करेंगे, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर टाइम गिवन है तो सिंस या फॉर भी यूज करोगे। ठीक है, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, हैड बीन देखो राइटिंग V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, आई हैड बीन वेटिंग फॉर द बस। इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हैड के बाद नॉट लगा दो, शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ये देखो हैड के बाद नॉट, नेगेटिव बन गया सेंटेंस। रेस्ट एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज सेम, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, वी हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर द बस, बन गया नेगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाओ इसको अब यहाँ से, ऐसे जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ बिना नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट किए, इस तरीके से प्रैक्टिस करना। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, V4 हो जाएगा एंड सब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या हैड है ना, तो यहाँ हैड यूज कर लेना। अब ये जो सेंटेंस है, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, इसको इंटेरोगेटिव में बनाए, हैड शी बीन है, बीन V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब राइटिंग अ लेटर, हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर, ये देखो ये क्या बन गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, हैड ही बीन प्लेइंग फुटबॉल, हैड वी बीन लर्निंग इंग्लिश, हैड आई बीन वेटिंग फॉर द बस। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव सॉरी इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, व्हाट विल आई डू, सब्जेक्ट के बाद मैं क्या करूंगी, नॉट ऐड कर दूंगी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट बीन V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, और यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं, हैड यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करो, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर, हैड शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, हैड वी नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, हैड आई नॉट बीन वेटिंग फॉर द बस, बन गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखो अब नेक्स्ट स्लाइड, हम सिर्फ एफर्मेटिव से बाकी सब चीजें कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो सेम यही है, कुछ अलग नहीं है, क्योंकि लॉजिक तो सेम ही है ना हर टेंस में, जो बेसिक जो अंडरलाइंग लॉजिक है दैट इज सेम फॉर एवरी टेंस, वो कहीं चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म, मेन वर्ब, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट आर चेंजिंग। ये देखो सेम स्ट्रक्चर है, हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर, हैड ही बीन प्लेइंग फुटबॉल, ये हम सब एग्जाम्पल्स अभी करके आए। ठीक है, ये देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट, सेम स्ट्रक्चर यही वाला है, बट
सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। पास्ट टेंस आपका फिनिश हो गया है। अभी देखो फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस देखो, फ्यूचर टेंस में बेसिकली क्या है, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल शैल वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखो सिंपल फ्यूचर के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, बट सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में यूज नहीं हो रहा था। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वी वन और वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका स्ट्रक्चर क्या था सिंपल पास्ट का, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। और यहां देखो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, शी विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग, यहाँ पे सिंग क्या है वी वन फॉर्म। आई विल राइट हिम अ लेटर, वी विल सी हर यस्टरडे। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, यहाँ पे वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज हो रही है, यू विल नॉट चेंज इट, राइट। इसी तरीके से देखो नेगेटिव बनाओगे जब इस सेंटेंस को तो क्या आ जाएगा, आप इसमें सब्जेक्ट विल शैल हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या ऐड करोगे, नॉट। शी विल नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, आई विल नॉट राइट हिम अ लेटर, वी विल नॉट सी हर यस्टरडे, राइट। अब देखो फ्यूचर टेंस में अगर आपको, सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर आपको एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस गिवन है, ऐसा या ऐसा सेंटेंस, और उसमें सब्जेक्ट में सेंटेंस में आई या वी यूज हुआ है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस में आई या वी यूज हुआ है, तो उस केस में आप क्या करोगे, विल और शैल दोनों हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हो यहाँ पे, इनके साथ, इन दोनों सब्जेक्ट्स के साथ। आई के साथ भी एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस में विल भी यूज कर सकते हो और शैल भी। सिमिलरली वी के साथ विल भी यूज कर सकते हो शैल भी। लेकिन अगर यही, ये दोनों वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट, आई और वी जो है एज अ सब्जेक्ट जो है, अगर इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज हुए हैं, तो आप दोनों यूज नहीं करोगे, राइट। ये देखो नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में नोट भी मेंशन किया हुआ है, ये देखो, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड। ये देखो फ्यूचर टेंस के इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आई और वी के साथ आप ओनली शैल यूज करोगे, लेकिन अगर आपके पास सेंटेंसेस जो है वो एफर्मेटिव या नेगेटिव है, तो उस केस में आई या वी के साथ आप दोनों यूज कर सकते हो, विल भी यूज कर सकते हो और शैल भी, बोथ विल बी करेक्ट, राइट। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव सेंटेंस जो था सिंपल फ्यूचर का, उसी में हमने देखो चेंजेस किए, क्या था यही था विल या शैल के साथ, ठीक है। अब मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या किया, इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ शिफ्ट कर दिया और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। देखो वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एफर्मेटिव सेंटेंस हर टेंस का जरूर याद रख लेना, हेल्पिंग वर्ब कम बिफोर द सब्जेक्ट, सेम वही लॉजिक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। देखो विल शी सिंग अ स्वीट सॉन्ग, शैल आई राइट हिम अ लेटर, शैल वी सी हर यस्टरडे, राइट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर दो, ये देखो सब्जेक्ट के बाद ये नॉट ऐड कर दिया। विल शी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, शैल आई नॉट राइट हिम अ लेटर, शैल वी नॉट सी हर यस्टरडे, राइट। ये क्या बन गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस था। नेक्स्ट देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी ऐसा एक्शन एक्सप्रेस करोगे जो बेसिकली कंटिन्यू कर रहा है कहाँ पे, कंटिन्यू करेगा कहाँ पे, फ्यूचर में, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा फ्यूचर टेंस में, विल शैल, बी वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट। शी विल बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या था, यही सेंटेंस का स्ट्रक्चर था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई एम सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। शी विल बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। पास्ट टेंस में देखो क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या स्ट्रक्चर पढ़ गया, अभी पढ़ के आए हैं जस्ट, फिर भी रिवाइज करा रही हूँ आप लोगों को, देख लो इसको। वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वॉज या वर, ठीक है। आई वॉज सिंगिंग अ
स्वीट सॉन्ग, और इसको फ्यूचर टेंस में जब इसमें डालूंगी इसी सेंटेंस को, तो क्या हो जाएगा? आई विल बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग. ठीक है, समझे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम है हर कॉन्टिन्यूअस टेंस का. देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है ना, अभी ये मत देखो कि प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, आप ये देखो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब प्रेजेंट टेंस अगर होगा तो इज एम आर यूज करना, पास्ट टेंस होगा तो वॉज या वर यूज करना, और अगर फ्यूचर टेंस होगा तो विल बी या शैल बी यूज करना. समझे? कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब में यही बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा. लॉजिक समझ आ रहा है? यही बेसिक स्ट्रक्चर है, बस हेल्पिंग वर्ब टेंस के साथ चेंज हो रहे हैं. देख रहे हो? आई होप इट इज गेटिंग क्लियर. अब इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करोगे. फिर भी, शी विल नॉट बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, आई विल नॉट बी राइटिंग हिम अ लेटर, वी विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, आई शेल नॉट बी वेटिंग फॉर द बस. ये सेम सेंटेंसेस हैं, देखो. ठीक है, ये वाली बात सबको समझ में आई? इसी तरीके से परफेक्ट टेंस में सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा. क्या स्ट्रक्चर रहेगा? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट. अब प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर लोगे? हैज हैव. पास्ट टेंस में हैड. फ्यूचर टेंस में बेसिकली क्या यूज करोगे? फ्यूचर परफेक्ट, इसमें क्या बोलते हैं यार, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, राइट? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे? विल हैव, शैल हैव, राइट? ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ये देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए. यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस था ना. हाँ, ये देखो, विल सब्जेक्ट बी वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, विल शी बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, शैल आई बी राइटिंग हिम अ लेटर, विल वी बी लर्निंग इंग्लिश, शैल आई बी वेटिंग फॉर द वर्ब. सब में हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से क्या है? पहले है. वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की गई है. ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट. विल शी नॉट बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, शैल आई नॉट बी राइटिंग हिम अ लेटर, शैल वी नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, शैल आई नॉट बी वेटिंग फॉर द बस, राइट? सो दिस इज योर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. जल्दी बताओ, सबको समझ आ रहा है? फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं फिर. जस्ट लेट मी नो सबको समझ में आ रहा है. या नहीं समझ में आ रहा है? आप लोगों को बेसिक लॉजिक्स जो मैं बता रही हूँ वो समझ में आ रहे हैं ना? क्योंकि वहीं से आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो है वो डेवलप हो रहे होंगे अब. कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है, देखो ना, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हर टेंस में सेम है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. अगर आपको परफेक्ट टेंस की बात करनी है, ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट टेंस, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर. आई एम जस्ट सेइंग कोई भी परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, यही बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा. अब मेरे को ये बताओ, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या करोगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर लोगे? हैज हैव, और इसके बाद यहाँ वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का बन गया. अच्छा, अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो क्या करोगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे? पास्ट है ना, तो हैड यूज करोगे. ठीक है, उसके बाद देखो फ्यूचर में बेसिकली क्या यूज करोगे? विल हैव या शैल हैव, ये वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे. बट बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है ना सबका, ये तो मैं चेंज नहीं कर रही हूँ ना. तो आप ये वाला बेसिक स्ट्रक्चर याद रखो, और आपको ये पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में कौन सा यूज हो रहा है. सिमिलरली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब करोगे तो दिखाऊंगी कैसे बेसिक स्ट्रक्चर जो है टेंस का वो सेम ही है. प्रेजेंट जब डालोगे तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का डालना, पास्ट जब डालोगे तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट का, और फ्यूचर जब जब डालोगे तो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर का, राइट? ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, दे विल जस्ट गिव यू द स्ट्रक्चर्स कि ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये टेंस है, ये समझा दिया, अब इसको याद कर लो. ठीक है, बट आई जस्ट वॉन्ट कि आप इनको याद रखो भी और पेपर में एज इट इज करेक्ट आंसर सॉल्व करके आओ, राइट?
अभी देखो फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल शैल हैव वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट शी विल हैव रिटर्न अ लेटर वी थ्री फॉर्म, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल वी विल हैव लर्न्ड इंग्लिश, आई शैल हैव वेटेड फॉर द बस, ठीक है इसी को नेगेटिव बनाना है तो विल शैल के बाद नॉट, शी विल नॉट हैव वेटेड फॉर द बस, ही विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल वी विल नॉट हैव लर्न्ड इंग्लिश आई शैल नॉट हैव वेटेड फॉर द बस, इसी को इंटेरोगेटिव बना दो क्या होगा, विल या शैल आगे आ जाएगा, ठीक है प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट बन गया इंटेरोगेटिव। विल शी हैव रिटर्न अ लेटर, इंटेरोगेटिव में क्या बनेगा, विल शी हैव रिटर्न अ लेटर, देखो विल सेकेंड एग्जाम्पल देखो, विल ही हैव प्लेड फुटबॉल, विल वी हैव लर्न्ड इंग्लिश, विल वी हैव लर्न्ड इंग्लिश, शैल आई हैव वेटेड फॉर द बस, शैल आई हैव वेटेड फॉर द बस। अब इसी को मुझे इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर बनाना है तो मैं यहाँ क्या करूंगी, सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर दूंगी, ठीक है ये वाली जगह पे हो गया, विल शैल सब्जेक्ट नॉट हैव वी थ्री ऑब्जेक्ट, विल शी नॉट हैव वेटेड फॉर द बस, विल शी नॉट हैव रिटन अ लेटर, विल ही नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, विल वी नॉट हैव लर्न्ड इंग्लिश, शैल आई नॉट हैव वेटेड फॉर द बस, हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म। एफर्मेटिव हमने याद कर रहा था, नेगेटिव हमने खुद बनाया, इंटेरोगेटिव ये देखो हमने खुद बनाया, और उसके बाद ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी हमने खुद बनाया, खत्म। ओनली 2 to 3 minutes एंड वी हैव फिनिश्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। देखो मल्टीपल रिविजन जैसे जैसे करते जाओगे तो हर रिविजन में जो टाइम लगेगा वो आने वाले टाइम में कम होता जाएगा, क्योंकि आपको ये सब चीजें धीरे धीरे याद हो जाएंगी, ठीक है, और अब तक याद हो भी गई होंगी बहुत सारे बच्चों को। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे एक्शंस जो पास सॉरी जो फ्यूचर में बेसिकली क्या हुए हैं, स्टार्ट होंगे फिर कंटिन्यू करेंगे और फ्यूचर में ही क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, इन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैव बीन वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल वी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर द बस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में स्ट्रक्चर बेसिक देखो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बात कर रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि प्रेजेंट है पास्ट है या फ्यूचर है, आई एम जस्ट सेइंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या रहेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब राइट, सब्जेक्ट रहेगा हेल्पिंग वर्ब रहेगा बीन रहेगा वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा ऑब्जेक्ट रहेगा। अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो हर टेंस के अकॉर्डिंगली आप चेंज करते जाओ, प्रेजेंट में राइट, पास्ट में और फ्यूचर में। आई जस्ट होप ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको। इसको जब नेगेटिव बनाओगे तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, शी हेल्पिंग वर्ब नॉट हैव बीन वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर राइट, देखो ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल वी विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर द बस राइट, ये देखो सेम ही है। इसको अब इंटेरोगेटिव में बनाओ क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया इंटेरोगेटिव। इसको कन्वर्ट करो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, विल शी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, इसको देखो विल ही हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, ये देखो विल वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश शैल आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस राइट। अब इसी सेंटेंस को अगर मुझे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ क्या करूंगी, सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर दो, विल शी नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, विल वी नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश,
शैल आई नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर द बस, राइट? तो ये आपके सारे सेंटेंसेस क्या बन जाएंगे? इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। ये देखो, सी, ये रहा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, हैव बीन वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब और बेसिकली ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट लगाया टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव, हैव बीन वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी वन प्लस आई एन जी, ऑब्जेक्ट। देखो, विल शी नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, ये सब एग्जाम्पल्स हम अभी डिस्कस करके आए। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू एवरी वन। अभी क्लियर है सबको? और ये देखो, ये आप लोगों का मैंने बताया था ना, एक कंपैरेटिव चार्ट बना सकते हो आप लोग, तो ये वही चार्ट है। ठीक है, क्लियर है सबको? अभी बताओ, कोई कंफ्यूजन किसी को टेंसेस में, कोई भी डाउट्स, या वॉइस चैप्टर शुरू करें? जल्दी बोलो। ठीक ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर वॉइस। जितना भी आज होगा रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे को रिवाइज करेंगे। ठीक है, अभी देखो वॉइस क्या है। वॉइस जो है, हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं इस चैप्टर को, बट फिर से इसको देख लेते हैं। देखो, वॉइस वॉइस क्या है? एक ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब है जो आपको क्या बताएगा कि आपका सेंटेंस जो है, एनी सेंटेंस ऑफ योर्स, उसमें मेन फोकस किस चीज पर है। ठीक है, मेन फोकस किस चीज पे है? तो ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपको ये बताए किसी भी सेंटेंस में मेन फोकस किस चीज पे है, यानी किसकी बात हो रही है, राइट? सब्जेक्ट की बात हो रही है, और उसके एक्शन की बात हो रही है, या ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, राइट? अगर फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वॉइस क्या हुआ, ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपको ये बताए कि सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, मेन फोकस किस चीज पे है, सब्जेक्ट या उसके एक्शन पे या ऑब्जेक्ट पे। अगर मेन फोकस जो है सब्जेक्ट या उसके एक्शन पे होगा, तो वो क्या होगा? एक्टिव वॉइस। अगर ऑब्जेक्ट पे होगा, तो वो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर हम क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का हम बेसिक स्ट्रक्चर क्या पढ़ते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा, बाय आ जाएगा, और सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, राइट? मेन वर्ब हम हमेशा यहाँ कौन सा यूज करते हैं? वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा, बेसिक स्ट्रक्चर। अब जैसे जैसे टेंस चेंज होगा, बेसिक स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट में क्या यूज कर लोगे? इज एम आर यूज कर लोगे प्रेजेंट पैसिव वॉइस में। पास्ट पैसिव वॉइस में वॉज और वर यूज कर लोगे। ठीक है, हैड यूज कर लोगे, इस तरीके से कुछ भी यूज कर लोगे, राइट? समझे? फ्यूचर में विल शैल यूज कर लोगे। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही चेंज हो रहा है पैसिव वॉइस में, बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा, समझे? आई होप ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी सबको। अब देखो, दोनों में एक्टिव वॉइस बेसिकली किस चीज पे फोकस करेगा? टेल्स अबाउट द पर्सन और द थिंग डज, कि सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है कि सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। स्ट्रक्चर देखो यही वाला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या बताता है? इट टेल्स अस दैट व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, राइट? ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, उस चीज की बात जो है वो बताएगा। इसमें ये हमें क्या बताता है? दैट सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन। अभी सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन, राइट? सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर क्या काम हो रहा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखो, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। बट अब हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर भी इसका कर चुके हैं,
ठीक है, ये डिटेल्ड होगा। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखो, अना पेंटेड द हाउस, सब्जेक्ट पेंटेड इज V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। द हाउस वॉज ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वॉज पेंटेड इज V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय अना सब्जेक्ट। अब कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे, कंफ्यूज मत होना, जिनका V2 और V3 फॉर्म सेम होगा, ठीक है? तो ये जब लिस्ट पढ़ोगे और करोगे तो वो याद हो जाएंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे पेंट, पेंटेड, पेंटेड, पेंट, पेंटेड, पेंटेड, पेंटिंग, पेंट्स। हो गए 5 फॉर्म्स, V1, V2, V3, V4, V5, राइट? तो यहाँ पे V2 और V3 सेम है, इसी तरीके से, ठीक है? द टीचर ऑलवेज आंसर द स्टूडेंट्स क्वेश्चन। द टीचर की बात हो रही है कि टीचर आंसर करता है? द स्टूडेंट्स क्वेश्चन आर आंसर्ड बाय द टीचर। यहाँ किसकी बात हो रही है? स्टूडेंट्स क्वेश्चन। अली पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन, अली क्या कर रहा है उसके बारे में बता रहा है। द वीडियो वॉज पोस्टेड ऑनलाइन बाय अली, वीडियो के बारे में अभी यहाँ बात कर रहा है। यहाँ किस पे फोकस है? सब्जेक्ट पे, यहाँ ऑब्जेक्ट पे, राइट? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है? एक्टिव वॉइस देखो, एक्टिव वॉइस, व्हेन द सेंटेंस और द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस डूअर एक्टर ऑफ द सब्जेक्ट इज गिवन मोर एम्फोसिस। तो सब्जेक्ट की जब बात होती है, या फिर एक्टर ऑफ द सब्जेक्ट जो है, एक्टर ही हो, सब्जेक्ट इज ओनली द एक्टर ना, जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसको हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे, या उसके एक्शन की भी बात कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर देखो, एग्जाम्पल्स देखो, द लॉयन रोड, द कुक प्रिपेयर द मील, ग्रीन हाउस गैसेस कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। अब इसी को अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो हम किस पे फोकस करेंगे? ऑब्जेक्ट पे। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे एक्टिव वॉइस में जहां आपको सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब गिवन होगा, वहां पे वर्ब पे फोकस कर लेना पैसिव वॉइस में, ठीक है? जैसे ये सेंटेंस देखो, द लॉयन रोड अ रोर वॉज एमिटेड बाय द लॉयन। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है द लॉयन, रोड जो है वो वर्ब आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने वर्ब पे फोकस कर लिया, अ रोर वॉज एमिटेड बाय द लॉयन, हेंस ये क्या बन गया इसका? पैसिव वॉइस। द कुक प्रिपेयर्ड द मील, द मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द कुक। यहाँ पे द कुक क्या है? सब्जेक्ट। प्रिपेयर्ड द मील, प्रिपेयर्ड इज V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब, द मील इज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, प्रिपेयर्ड इज V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय द कुक सब्जेक्ट। देखो वही स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है, हेंस हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुआ? वॉज। मुझे कैसे पता चला पास्ट है? सिंपल पास्ट का टेंस सेंटेंस है, देखो V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही है। V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब कहाँ यूज होती है? सिर्फ सिंपल पास्ट में, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे इस सेंटेंस में। देखो, द कुक प्रिपेयर्ड द मील, वी आर नॉट यूजिंग एनी हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस। और पास्ट टेंस का जो पास्ट इनडेफिनेट टेंस होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं, हेंस ये कौन सा टेंस है? दिस इज पास्ट इनडेफिनेट टेंस, सिंपल पास्ट इसको बोलते हैं, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है? देखो, ग्रीन हाउस गैसेस कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है? आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है सबको? ओके, अब चलो पैसिव वॉइस वाले उसके ऊपर, ऑल्दो हमने पैसिव वॉइस डिस्कस कर लिया, बट स्टिल हम लोग देख लेते हैं स्लाइड क्या बोल रही है। व्हाट डज द स्लाइड हैज टू से। ये रहा पैसिव वॉइस, ये देखो, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, या फिर रिसिपियंट जो होगा एक्शन का, यानी ऑब्जेक्ट ही होगा रिसिपियंट, उसके ऊपर फोकस करेंगे, या एक्शन पे भी फोकस कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर देखो, ये रहा, रोर वॉज एमिटेड बाय द लॉयन, मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द कुक, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। सब एग्जाम्पल्स देख लिए, सेम ही थे, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में,
रूल्स टू आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ द सेंटेंस. वॉइस को आइडेंटिफाई करने के रूल सिर्फ तीन है. स्ट्रक्चर देखना, एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर होगा, पैसिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर होगा. पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब हम हमेशा कहाँ यूज करते हैं? पैसिव वॉइस में. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होती है? वी थ्री फॉर्म. हमेशा पैसिव वॉइस में वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा. ये स्ट्रक्चर में हमेशा वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब ही जाएगा ऑलवेज. जो मर्जी टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, ओनली वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज. आपको याद क्या रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में कौन सा यूज हो रहा है. ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव टेंस. ऑब्वियसली एक्टिव वॉइस के केस में आप हेल्पिंग वर्ब जो है यूज कर भी सकते हो और हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं भी कर सकते. लेकिन पैसिव वॉइस में आपको हमेशा क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब यूज करना ही है. देखो जैसे ये वाला सेंटेंस है, दिस सेंटेंस, आई एम डूइंग माई वर्क, एक्टिव वॉइस है, बट यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब यूज किया है. अब ये भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है देखो, बट यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया. राम बॉट अ बाइक, वी टू फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई एम डूइंग माई वर्क, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज किया एक्टिव वॉइस में, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया. तो एक्टिव वॉइस में हो भी सकता है यूज, नहीं भी हो सकता, ठीक है, इट विल डिपेंड. बट यस, पैसिव वॉइस में आपको डेफिनेटली यूज करना है. जब भी आप कन्वर्ट करोगे ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब. देखो बेसिक स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब है, ये रहा, ऐसा है ना बेसिक स्ट्रक्चर. तो बेसिक स्ट्रक्चर में ही हेल्पिंग वर्ब है ये, देखो राइट. आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. नेक्स्ट देखो, अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. इसको तो भूलना नहीं है आपने. जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो वॉइस को, या पैसिव से एक्टिव में आ रहे हो, तो मीनिंग फॉर्म एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस यू विल नॉट चेंज, राइट. मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं होना चाहिए, फॉर्म नहीं होना चाहिए. अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इंपेरेटिव ही रहे, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रहे, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहे, ठीक है. टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं करोगे. एक्टिव वॉइस में अगर आपको पास्ट टेंस गिवन है, ठीक है, और सिंपल पास्ट गिवन है, तो पैसिव में भी उसी को सेम रखोगे. ऐसा नहीं है यहाँ पे सिंपल पास्ट दे दिया, वहां पे आपने पास्ट परफेक्ट बना दिया. नो, डोंट डू दिस, ठीक है. ये हम ऑलरेडी पेपर्स में देख चुके हैं. 17 सितंबर को जो क्वेश्चन आए हुए थे आपके, मैंने आपको बोला था ना, अगर आपको एग्जैक्टली रूल्स नहीं भी याद है, बस इतना भी याद है, ये तीन चीजें भी याद है, तो भी ऑल द फोर क्वेश्चंस जो थे वो अटेम्प्ट हो रहे थे, ठीक है. नेक्स्ट देखो, समटाइम्स द मोस्ट ऑब्वियस डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट मेंशन्ड इन द सेंटेंस. पैसिव वॉइस में कई बार आपको डूअर नहीं गिवन होगा, मतलब सब्जेक्ट जो है नहीं गिवन होगा, आपको खुद से सब्जेक्ट एज्यूम करना पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस में क्या सब्जेक्ट था. जैसे एग्जाम्पल, अ जजमेंट हैज बीन पास्ड इन द कोर्ट, यहाँ आना चाहिए था बाय द जज. अब यहाँ पे बेसिकली पैसिव वॉइस में ये नहीं गिवन है, बाय द जज, तो मैंने यहाँ पे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए खुद अज्यूम कर लिया द जज पास द जजमेंट इन द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट में तो जज ही जजमेंट पास करेगा ना, या ज्यूरी करेगी. तो वो बेसिक कॉमन सेंस यूज करना, ठीक है. एक्टिव वॉइस में इनमें से कोई भी प्रोनाउंस गिवन है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए ये डाल दोगे. आई को मी में डालोगे, वी को अस में, ही को हिम में, शी को हर, दे को देम, यू विल रिमेन द सेम. अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में इनमें से कोई मिल जाता है, मी मिल गया, यू मिल गया, तो उसको पैसिव वॉइस में सेम ही रखना. अगर एक्टिव वॉइस में से इनमें से कोई भी वर्ड यूज होता है तो उसको पैसिव वॉइस में सेम ही रखना. ऐसे मत करना कि एक्टिव वॉइस में उसने सेंटेंस जो दिया उसमें मी लिखा तो आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो आई कर रहे हो. नो, डोंट डू दैट, ठीक है. पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस है और वहां पे मी यूज हुआ है तो एक्टिव वॉइस में जाते हो उसको आई कन्वर्ट कर देना, ठीक है. ये दोनों वे, बोथ वेज जाएगा. एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए आप इनको इस साइड कन्वर्ट करोगे ऐसे. लेकिन अगर सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस का दे रहा है और फिर बोल रहा है एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करो, तो इसको बेसिकली फिर आप कैसे कन्वर्ट करोगे? ऐसे कन्वर्ट करोगे, मी को आई में डाल दोगे, अस को वी, यू को यू, हिम को ही, हर को शी, देम को क्या करोगे? दे में, ठीक है. तो ये चीज याद रख लेना यार, राइट. ठीक है, अभी के लिए ना, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ये देखो,
ये क्वेश्चंस थे, हम ऑलरेडी बार बार देख चुके हैं, एग्जामिनर यही गलतियां कर रहा है, मीनिंग फॉर्म टेंस ये तीन चीजें चेंज कर देगा पैसिव वॉइस में। ये देखो द बुक्स एग्जीबिशन हैड बीन ओपन बाय द गवर्नर, पहले तो ये देखो कौन सा टेंस है, हैड बीन ओपन्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, टेंस चेंज नहीं करना है। देखो ओपन्स V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब कब यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में। ओपन्ड द बुक्स, ओके हैज ओपन्ड, ये देखो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस। तो दो ऑप्शन कट रहे थे, ठीक है दो ऑप्शंस कट रहे थे। अब बताओ ए आंसर होगा या सी आंसर होगा, यूज योर लॉजिक। जल्दी बताओ। देखो ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट का है, और ये जो सेंटेंस है इसमें टेंस चेंज नहीं हो रहा है, सेम टेंस रखा है एग्जामिनर ने। व्हाई वुड सी बी द आंसर, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। एग्जैक्टली ए वुड बी द करेक्ट आंसर। देखो ना टेंस भी तो चेंज नहीं करना हमें, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कब से, पास्ट परफेक्ट टेंस है, एक्टिव वॉइस में जाते हुए टेंस थोड़ी ना चेंज करोगे, द गवर्नर हैड ओपन्ड आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर क्यों ये आंसर नहीं होगा, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है और ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का गिवन है। अगर पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट में गिवन है आपको, तो एक्टिव वॉइस भी तो पास्ट परफेक्ट में ही रखोगे, उसको इसमें थोड़ी ना कन्वर्ट करोगे सिंपल पास्ट में। क्लियर? तो ये छोटी छोटी गलतियां मत करना, एग्जामिनर आपको यही ट्रैप कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में जाने के लिए कोई रूल यूज नहीं किया, ऑल्दो इसको हम रूल से भी सॉल्व कर सकते थे, बट देखो ना क्लियरली विजिबल है कि वो क्या गलतियां कर रहा है। ये देखो सेल्स टी V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब, कौन सा टेंस होगा, सब्जेक्ट V5 एंड ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट में भी कौन सा, सिंपल प्रेजेंट। अब यहाँ देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ये हैड बीन पास्ट का हो गया, पास्ट परफेक्ट काट दो इस ऑप्शन को, हैज बीन पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो गए, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, इसको भी काटो, वॉज सोल्ड बाय पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रखना है पैसिव में भी, यही आंसर बनेगा, टी इज सोल्ड बाय संजय। आई होप आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं, देखो कॉन्सेप्ट को समझना और याद रखना ठीक है इज अ डिफरेंट थिंग, और उसको अप्लाई करना पेपर में इज अ डिफरेंट थिंग। बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाता है बट वो एग्जाम में अप्लाई ही नहीं कर पाते, तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट कैसे हो रही है वो सिखा रही हूं मैं आपको ये क्वेश्चन से। अगर आपको रूल, मैं बोल रही हूँ सिर्फ एफर्मेटिव का रूल याद करो, अगर आपको रूल नहीं याद बाई चांस याद करने हैं, यू हैव टू मेमोराइज ऑल द रूल्स राइट। लेकिन एग्जाम में सपोज आप बैठे हो बहुत ज्यादा नर्वस हो गए, अब आपको एफर्मेटिव का रूल ही नहीं याद आ रहा, तो आप ये मेथड यूज करो, हमेशा मत यूज करना ये मेथड, कहीं क्वेश्चंस गलत कराओ, गलत भी हो सकते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जामिनर हमेशा आपको सेम जगह ट्रैप करेगा, वो आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि क्या गलती कर रहा है वो, ठीक है राइट। अब देखो सेम यहाँ पे दे वन द क्रिकेट मैच, कौन सा फैक्ट आ जाए टेंस से, पहले तो ये बताओ विच टेंस इज दिस, दे वन सिंपल पास्ट, देखो इज वन प्रेजेंट टेंस में चेंज कर दिया पैसिव में, विन प्रेजेंट टेंस, हैड बीन वन पास्ट परफेक्ट, कौन सा आंसर है, यही तो बचा। देख रहे हो कॉन्सेप्ट पता होना और उसका एप्लीकेशन, अब ये जो है दिस इज स्मार्ट वर्क, कब आएगा आपको ये करना, जब आपको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, जब आपको रूल्स याद होंगे राइट। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से रिप्लाई करो, समझ आ रहा है सबको सब कुछ। देखो व्हाई डिड यू ब्रेक अ स्कूल वॉल, डिड यू,
पास्ट टेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव, देख रहे हो, डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव क्या था कि हेल्पिंग वर्ब तो से क्वेश्चन शुरू हो ही रहा है प्लस सब्जेक्ट, ये तो ऑलरेडी इंटेरोगेटिव है, बट यहाँ पे आपने डब्ल्यू एच फैमिली भी यूज कर ली। अब देखो डिड यू पास्ट टेंस, अब यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, वुड, सबसे पहले तो इसको काटो, फ्यूचर टेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखो दिस इज विच टेंस, दिस इज सिंपल पास्ट, यहाँ पे हैड आ जाएगा, कट जाएगा, ये परफेक्ट टेंस को बता रहा है। ओके देखो अब बताओ ए आंसर होगा या डी आंसर होगा, जस्ट टेल मी दैट। जल्दी से बताओ, अगर आपको रूल याद होगा ना अब यहाँ पे, तो ही आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बता पाओगे, ए और डी। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये जो मैं आपको एप्लीकेशन सिखा रही हूँ ना, इसमें आपको रूल्स भी याद रखने हैं, क्योंकि जो इंसान सिर्फ शॉर्टकट पे जाएगा वो गलत करके आएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अब रूल लगेगा इन दोनों में चूज करने में। एग्जैक्टली डी क्यों होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली को आप एज इट इज रखते हो, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद बेसिकली हम लोग वर्ब का मेन वर्ब यूज कर रहे थे, एंड देन बेसिकली क्या यूज कर रहे थे, ऑब्जेक्ट। ये जो था एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था, इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, पैसिव वॉइस का समझा रही हूँ यहाँ पे। अब डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब देखो इन दोनों सेंटेंसेस में, ए और डी ऑप्शन में, ए और डी ऑप्शन में यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली, ये रहा डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच। अब यहाँ के पैसिव वॉइस में डबल इंटेरोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, यानी डब्ल्यू एच फैमिली के बाद मुझे क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, डायरेक्टली उसने ये क्या यूज किया, ऑब्जेक्ट यूज किया। तो हेंस ये जो रूल के अकॉर्डिंगली ये जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, यही ऑप्शन, बिकॉज यही इस रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ये ऑप्शन ही इस रूल को फॉलो कर रहा है, जो डबल इंटेरोगेटिव का पैसिव वॉइस का रूल, समझ रहे हो। तो रूल्स जो हैं वो आपको करने ही करने हैं याद, ठीक है। जहां पे आपको रूल नहीं याद हो रहा, या जहां पे आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे दोनों चीजें यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी आपका क्वेश्चन एक्यूरेट होगा। एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना पेपर में बैठ के, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो इसको, और रूल्स भी यूज करना, क्योंकि दो ऑप्शन तो आप इजीली कैंसिल आउट कर दोगे, जैसे यहाँ पे मैंने ये दो ऑप्शंस कर दी, प्रॉब्लम आएगा दो ऑप्शंस में। अगर दो ऑप्शंस में प्रॉब्लम आ रहा है और आपको वन करेक्ट आंसर तक पहुंचना है, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, वहां पे आप फिर रूल यूज करो, राइट। हेंस बोथ आर इंपॉर्टेंट, स्मार्ट वर्क ऑल्सो एंड हार्ड वर्क ऑल्सो, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, कल के नेक्स्ट क्लास में हम लोग वॉइस जो है ये पूरा चैप्टर वी विल रिवाइज, राइट। तो नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग क्या करेंगे, वॉइस रिवाइज करेंगे, और आज के लिए आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द क्लास हियर, ठीक है। आई वुड हैव कंप्लीटेड दिस, बट देन आई एम नॉट फीलिंग वेल, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप फॉर अ वाइल आफ्टर टेकिंग मेडिसिन ना। सो वॉट वी विल डू, वी विल कंप्लीट द वॉइस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास ऑन नेक्स्ट फ्राइडे मोस्ट प्रोबेबली, राइट। एंड आई विल सी यू ऑल ऑन मंडे, कल आप लोगों का टेस्ट है, अच्छे से देना, ठीक है। चलिए ओके, आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द क्लास, थैंक फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, थैंक यू सो मच।